डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने इससे पूर्व की कक्षा में पाठ्य पुस्तक के गुण बताए थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आपको किसी पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करने के लिए कहा जाएगा तो आप किस आधार पर पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करेंगे। किसी भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षा की हिंदी शिक्षण की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी समीक्षा करने के लिए हम जो है निम्न बिंदुओं को आधार बनाएंगे। उन आधार पर हम जो है पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करेंगे, ठीक है। जो पाठ्य पुस्तक की समीक्षा के लिए प्रमुख बिंदु ये निम्न है। पहला है मापदंड। मापदंड से तात्पर्य है उसके लिए किसी भी पुस्तक के लिए कौन कौन से निर्धारित नियम बने हैं, एक पुस्तक में कौन कौन सी गुण होने चाहिए, ठीक है। उन मानदंडों के आधार पर उसकी यदि हम मूल्यांकन करते हैं तो वो पुस्तक सही निकलती है या नहीं निकलती है। मापदंड में जो है पहला आएगा पाठ्य पुस्तक का नियोजन, जो पाठ्य पुस्तक बनाई गई है वो कैसी है। दूसरा है जो पुस्तक में विषय सामग्री ली गई है वो विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार है या नहीं है, उसका मूल्यांकन करना, क्योंकि यदि वो बालकों के स्तर के अनुसार नहीं होगी तो बच्चों को वो कोई नया ज्ञान प्रदान नहीं करेगी। दूसरी है कक्षा के स्तर के अनुसार, जिस लेवल की जिस स्तर की कक्षा है उस स्तर के बालकों की रुचियों को ध्यान में रखकर उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं वो खेल खेल में सीखते हैं, उनको रंग बिरंगे चित्र अच्छे लगते हैं, उनको गाकर किसी चीज़ को सिखाया जाता है तो उनके पाठ्य सामग्री में उसी चीज़ को सम्मिलित किया जाता है। जैसे धीरे धीरे हम बड़े बन होते हैं तो हमारा मानसिक स्तर जो है क्रियात्मक के साथ साथ में सैद्धांतिक हमारा स्तर भी बढ़ता है तो उसमें उसी विषय सामग्री को सम्मिलित किया जाता है। और नेक्स्ट है बालकों की रुचि के अनुसार, जिस स्तर की कक्षा है उस स्तर के बालकों की उस समय कौन कौन सी रुचियां होती हैं, उन रुचियों को ध्यान में रखकर उसकी विषय सामग्री उसमें सम्मिलित की गई है या नहीं की गई। दूसरा है भौतिक आधार। भौतिक आधार में पुस्तक की पूरी संरचना आएगी जो हमको हार्ड रूप में दिखाई दे रही है, अर्थात उसकी कागज की क्वालिटी कैसी है, उसका बाह्य कवर कैसा है, उसकी मुद्रण कैसी है, ठीक है, और उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके बाह्य परिशिष्ट की क्वालिटी कैसी है, इन सब बिंदुओं को भौतिक उसमें हम ध्यान में रखकर मूल्यांकन करेंगे। जो भौतिक स्तर है वो उसके बाह्य परिशिष्ट को बाह्य गुणवत्ता को देखकर उसकी गुणवत्ता के बारे में हमको पता चल जाता है कि पुस्तक किस स्तर की कैसी बनी हुई है, अच्छी है या नहीं, क्वालिटी में अच्छी है या नहीं है। दूसरा है विषय वस्तु। अब विषय वस्तु का जो चुनाव किया गया है, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में विषय वस्तु होती है वो बालक, क्योंकि उस समय किस 14 से 18 के बीच में हो जाते हैं तो उस स्तर के बालकों की जो मानसिक स्थिति है उसको ध्यान में रख के उसमें विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि विषय वस्तु बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार नहीं होती तो बच्चा उसमें रुचि कम लेता है। तो जो भी विषय वस्तु हम निर्धारित कर रहे हैं तो इसके लिए है, इसके लिए जो प्रमुख बिंदु हैं, सभी स्तर के बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार विषय वस्तु सामग्री सम्मिलित की जानी चाहिए। दूसरा है कक्षा स्तर एवं पाठ्यक्रम के अनुरूप विषय सामग्री हो, जो पाठ्यक्रम में जो चीज़ें सम्मिलित की गई हैं वो उसी के आधार पर उसमें विषय वस्तु भी होनी चाहिए। तीसरा है सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता बनाए रखने वाली विषय वस्तु है या नहीं। देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि जैसे बीएड के पाठ्यक्रम में निर्धारित कर दिया है कि इन बीएड के अंदर आपको ये कार्य कराना है। अब जो जो आपकी पुस्तक लगी है, जो आपके पेपर लगे हैं, उनमें जो बुक्स लगी है, उस बुक्स में उसी विषय सामग्री को उस पाठ्यक्रम के अनुकूल ही सम्मिलित किया गया है। तीसरा है भाषा शैली। अब
उसकी भाषा शैली कैसी है, पुस्तक की भाषा शैली क्या ली गई है, जो बच्चों के स्तर के अनुसार जिस परिवेश का वर्णन करने वाला, फॉर एग्जाम्पल हम प्रेमचंद की साहित्य को जब पढ़ते हैं तो उनकी जो साहित्य की भाषा शैली है वो ग्रामीण अंचल से संबंधित है। कारण, इसका कारण क्या है, उन्होंने अपना सारा साहित्य ग्रामीण अंचल की विडंबनाओं को, यातनाओं को, पीड़ाओं को ध्यान में रखकर लिखा है और महसूस किया है, और उसमें वो शब्दावली भी उन्होंने वही प्रयोग में ली है। तो जो भाषा शैली है वो उस विषय वस्तु के पात्रों के वातावरणीय परिस्थिति के अनुसार हमको लेनी चाहिए। जिस वातावरण का उसमें वर्णन हो रहा है उसी के अनुसार भाषा शैली का प्रयोग होना चाहिए। अगला है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री से तात्पर्य है कि उस पुस्तक में उस विचारों को, उस विषय वस्तु को परिपक्व करने के लिए जो चित्र, जो डायग्राम दिए गए हैं वो उससे संबंधित है या नहीं, या बहुत ज़्यादा सहायक सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया है। सहायक सामग्री ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत, जहाँ ज़रूरत है, जिसको हम चित्र के द्वारा, वर्गीकरण के द्वारा समझाना है हमको, वह जो है उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो वही सहायक सामग्री उसमें प्रयोग में आनी चाहिए। सहायक सामग्री जो में जो है यथा स्थान होनी चाहिए, जिस स्थान पर जिस विषय को वो समझाने के लिए हमको वो काम में लेनी है उस स्थान पर ही उस सहायक सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा है, जब मुद्रण करते हैं उसमें विराम चिन्हों का ध्यान रखा गया है या नहीं गया। यदि जो पर्याप्त और सही विराम चिन्ह नहीं लगे होंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नेक्स्ट है अभ्यास सामग्री। जो विषय वस्तु हमने पढ़ाई है, जो अध्यापक ने विषय वस्तु, जिस पाठ के अंदर जो विषय वस्तु है, जो पढ़ाई है, उस का मूल्यांकन करने के लिए अभ्यास सामग्री बनाई जाती है, उसमें प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। तो उन प्रश्न में जो है सभी प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होने चाहिए और अभ्यास माला होनी चाहिए, ताकि शिक्षक जो है, जो शिक्षण कार्य करने के बाद बच्चों का मूल्यांकन कर सके कि जो मैंने पढ़ाया है वो बच्चों को कितना और कहाँ तक समझ में आया है। यदि अभ्यास सामग्री उसमें नहीं होगी, मूल्यांकन प्रश्न नहीं होंगे, तो इस अध्यापक इसको जान नहीं सकेगा। तो इसमें पर्याप्त जो है अभ्यास सामग्री भी होनी अनिवार्य। और इसके बाद जो है, हम एक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक की यदि आपको समीक्षा करने के लिए कहा जाए तो हम उस इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर जो है उसका समीक्षा करेंगे। आज का आपका गृह कार्य का प्रश्न है।